हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब आए हो? क्या सब अच्छे हुए? हम सब भी अच्छे हैं। और मैंने कपड़े फैला दिया सारे, दो दिए भी है, नाज फैला दिया है, देखो मोनिका चाची अरे नु चाची आ रही है घर पे। हाँ देखिए देखिए नाज फैला दिया है, वो कल की धूप और लगेगी ना इस पर, नाज पे देखिए सो करा के, मुझे तो पता भी नहीं जब तक प्रोडक्शन डाना हो गया था अभी तो। देखिए कपड़े भी बहुत हो रहे थे, कल नहीं धोए थे कपड़े, देखिए वे धो दिया है। देखो तो जख मेरे को देखियो रूही कहाँ खेल रही है, देखिए रूही ए क्या बात ये रहा पड़ा, देखिए कैसे सुखा रही है ना आज रूही, कागज देख रही है सुखा नहीं सूख रहा है रुई। अब आ लीला ए हट जा वाली परी दीदी, परी आली, परी दीदी आली देखिए। ए भाई हाथ चौके में खादी भाई, चढ़ के तो हाथ फैला के ना, मैं तो नहीं सोची थी रुई आ जाएगी, रुई निकाल देगी देख देख देखियो आज इसका कैसा हाथ जलाया है, कैसा जला था मैं बेटे का हाथ जल गया। कमेंट करके बताओ कि इसके हाथ पे क्या लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा जी, रात दूध में जल गया इसका हाथ, गरम गरम दूध में दूध खिल गया इसके हाथ पे। चीकू भी आ रहा है घर पे आज, चीकू कहने नहा दू आज देखिए इधर चाची जी बैठे हैं रेनू, चीकू की मम्मी ए ये चीकू का भाई, हंस ले भी हंसना नहीं आता, जा कर दो हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के नमस्ते चीकू बोला था, चीकू चीकू हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो, बोलो हाय कर दो, हाय ऐसे हाथ ही लगा हाय हाय। कैसे हो आप सब? कैसे हो? जो का बोलो अपना नाम बता दो। आपका क्या नाम है? चीकू। पापा का क्या नाम है? दुकान वाले पापा का? हट्टी वाले पापा का? जो का बोल। राजू पापा। और माँ का है? जाने वाले। अरे हेलो दोस्तों, देखिए दोपहर का एक बज चुका है और मुझे जाना है दावत में, दावत में कहाँ जाना है, गांव में ही दोस्त के साथ ही है और उसके वहाँ पर मंडी में जाना है, तो चलता हूँ। तो देखिए दोस्त की शादी में आए थे हम और फिलहाल दावत खा के चल पड़े हैं, ये भी क्लासमेट है मेरा 2006 से 2012 तक क्लासमेट रहे हम दोनों, उसके सगाई में दावत में थे, सुबह भी आता मैं यहाँ पर लेकिन सुबह एक दो घंटा रहकर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी चला गया था, जो कुछ काम था सुबह मैं करवा के आ गया था और शाम को आना है। फिर ये है हमारा दोस्त जिसकी शादी है। चलती हूँ मैं छत पे, मुझे कपड़े उतारने हैं, अनाज इकट्ठा करना है, वो बंदा नहीं यार बाबू, दो तीन दिन से देखिए वे कपड़े उतारने हैं, सूख रहे हैं अभी, तो यहाँ पर बंदा का डर रहता है, अभी नीचे छत पे नीचे से आया हम दोनों, मेरे परी परी आ जा, हवा चल रही है अभी तो बहुत, परी की फ्रेंड परी यही है हमारे यहाँ से, देखिए कैसे खेल रहे हैं परी के साथ। परी कौन है ये? ये कौन है? इसका नाम नहीं बता। और फ्रेंड बना ले अपन तो ना, अपन अच्छा खुशी कौन है वे? तेरे फ्रेंड आ गए वे? तेरे फ्रेंड बने जी वे? कब बने? परसों बने
परसों बनी थी और कल बनी थी। चलो तो खेल लो। गोल गोल पानी मम्मी मेरी चल कर जा सुने का दरवाजा। ए बैल तो टूट गई हो के घूम रही सी हो के ए मम्मी। गोल गोल पानी मम्मी मेरी रानी पापा मेरे राजा कल खाए ताजा सुने का दरवाजा सुने कौन जाएगा। देखिए वे तीनों फ्रेंड खेल दिया आराम से आराम से। तो देखिए यहाँ पर आए हैं फर्नीचर हाउस में। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ जो है पंचायत भवन में जाएंगी जहाँ पर पंचायत सहायक बैठेंगे। मेरा नंबर तो नहीं आया पंचायत सहायक में लेकिन जिसका आ गया उसकी तो उसके लिए तो ये जानी है ना। दो कुर्सियाँ ऐसी जाएंगी चार ऐसी जाएंगी और 20 कुर्सियाँ जाएंगी सट्टे वाली। कुछ अलमारी एक अलमारी है अलमारी नीचे होगी भाई अलमारी नीचे होगी और मेज भी नीचे है। सभी तो सभी ग्राम पंचायत में जो है फर्नीचर जा रहा है हमारी ग्राम पंचायत में फर्नीचर जाएगा और ये फर्नीचर हमने ले लिया है और इसको गाड़ी में भरवा के भेजना है ग्राम पंचायत में। शाम का समय हो चुका है जी ड्यूटी चल रही है आज तो 6 बज चुके हैं पर और इधर पक्षी उड़ रहे हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग राम राम जी स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे आप सब आई होप कैसा अच्छे होंगे। तो देखिए मैं रेडी हूँ आज देखे जूतों बूतों में सब सर दोस्त के शादी में जा रहा हूँ क्लासमेट है मेरा उसके शादी में जा रहा हूँ आज। शुरुआत तो हो चुकी है दूसरे दोस्त की शादी आज इससे पहले एक की और शादी हो चुकी है क्लासमेट की तो सहसा अब हमारी शुरुआत होने लगी है। तो चलो शुरुआत तो ही तो आज उसकी शादी में चलते हैं बारात में आपको भी इंजॉय कराएंगे। और जी दोस्त के बारात में आ चुके हैं हम तीनों ही क्लासमेट हैं तीनों दोस्त हैं और बारात भी पास में थी ज़्यादा दूर नहीं पास से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर थी गाँव से हमारे। और यहाँ पर आकर एक पंथ दो काज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्त के घर भी आ चुका हूँ। हेलो दोस्तों देखिए आज दोस्त के कुल्लू में आऊँ उसके गाँव में आऊँ यहाँ पर कुल्लू में देखिए गन्ने छील रहे हैं गन्ने गन्ने लगा रहे हैं देखिए बढ़ता भाई बढ़ता एक गिलास मेरे नाम काट दिए। और जिस गांव में बरात आया है यहाँ पर मेरे स्टाफ का यानी कि मोहित भाई भी रहता है एक दो बार व्लॉग में आया है मेरे देखिए आपको पहचानने में आया हो तो बताना जरूर। और इनका कोल्लू भी है यहाँ पर ये और इसने ताज़े ताज़े गन्ने निकाले हैं उसमें ताज़े गन्ने निकाल कर जूस निकाला है ये गन्ने का जूस आप भी पी लीजिए अच्छा लगता है ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। तो मेरे लिए ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस भी सिर्फ मेरे लिए कोल्लू चलाया इसने आप देख सकते हैं। अच्छा निकाल ले जल्दी निकाल ले तो मेरा नेल निकाल आयरस खत्म होगा खत्म इनका पसार है जी ये खोई सूख रही ठंडी चाकनी होगी गर्म होगी और ये पक गई गुड़ शक्कर के लिए। रस की गुड़ की चाशनी बन चुकी है ये अब इसका जो है ये गुड़ बनाएंगे और गाढ़ा हो जाएगा जब ये उसके बाद गुड़ बनना शुरू हो जाएगा इसका।
रस में नींबू और नमक डालने के बाद स्वाद हो जाता है। तो भाई ने नींबू भी डाल दिया इसमें और नमक भी डाल दिया। ताज़ा गन्ने का जूस। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी पर और देखिए आज कितना अच्छा काम हुआ। दोस्त की बारात भी हो गई और मेरा काम भी हो गया। ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिली और क्योंकि जो आज मेरा फील्ड का काम था उधर दाजी इधर मेरे दोस्त की बारात गई थी डूंगर, और डूंगर से सूची जाना था मुझे हिम्मतपुर गांव में। तो दोनों काम एक साथ हो गए, 5-6 किलोमीटर का हेर फेर था, बस वहाँ पर काम हो गया, वहाँ पर काम हो गया और अपना ड्यूटी भी नहीं छुटी और दोस्त की बारात भी नहीं छुटी। तो दोनों काम एक साथ हो गए। तो अब मैं ड्यूटी पर आ चुका था और 5 बज चुके हैं और अब चलता हूँ घर। बंदर मस्ती कर रहे हैं पूरी, मान जाओ। बाइक खड़ी है, चलते हैं घर के। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शाम का समय है और देखिए मुझे खाना बना लिया है और परी खेली, क्या खेली परी पता नहीं, अपने खेलों में करने का मैं पता नहीं क्या खेल रही है। और पूजा इधर खाना बना रही है और समय हो चुका है 6:15 हैं, पापा जी आने वाले हैं आज, मैं उनसे पहले आ गया, वे साइकिल से गए आज, 7 बजे आना था मुझे, इसीलिए पापा जी जो है साइकिल लेकर गए हैं जिससे कि मुझे आने में देर हो जाए तो वे साइकिल पर आ जाए। और गंगा बार बार दी है और गंगा देखिए बार बांध रखी है, यहाँ पर बैठ कर खाना खाती है, यहीं पर बैठती है, इसके ऊपर थोड़ी धूप भी आ जाती है जिस कारण से यहाँ बांध देते हैं। और गाय को भी थोड़ी देर गई है वहाँ पर बांध देते हैं, लेकिन खाने के टाइम उसको फिर खोर पर बांध देते हैं। हेलो दोस्तों, आज है 5 मार्च और आज हमारी मम्मी जी को जो है पूरे 10 महीने हो चुके हैं, उनकी यादें बहुत आती है। कल से बस ऐसा लग रहा है कि कल ही हमारे साथ याद से आओ, ऐसा लग रहा है पूरा दिन हो गया और आज ही पूरा दिन हो गया मुझे, बस मम्मी की याद आई आज पूरा दिन। आज कुछ काम नहीं किया मैंने, ब्लॉग में बैठ कर भी पूरा दिन यही रहा, कार्य करने में मन नहीं था आज मेरा, बस जो करा बहुत कम ही काम करा आज मैंने। उस समय की सारी यादें एकदम आंखों के सामने रहती हैं मेरे, जैसे आज साहब भी होया वो आज ही होया हमारे सामने, पता नहीं लगता, बोलना बहुत ही मुश्किल होता है और नहीं बोला जाने का, ये बहुत याद आती है मम्मी की हर एक बात, हर एक बात ऐसे लगती है जैसे आज भी कानों में गूंज रही हो, आज भी कान में गूंज रही हो, आज ही हमारे साथ है मम्मी, ऐसा कुछ नहीं अनुभव कभी ऐसा होया ही नहीं कि हमसे दूर गई है मम्मी, बस ऐसा लगता है हम ड्यूटी पर हैं, मम्मी घर है, हम घर हैं तो मम्मी कहीं बाहर गई हुई है, ऐसा अनुभव होता है और ज़्यादा नहीं। लेकिन जब समय याद करते हैं कि हमारे साथ ये हादसा हो गया तो बहुत ही जोर पड़ता है, बहुत ही।